गुड मॉर्निंग, आज है 22 दिसंबर और हम हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के आश्रम में और रात में शिव पुराण कथा सुने, बहुत अच्छा लगा हमको। और एक शिव भक्त को और क्या चाहिए। तो रात में यहाँ पे हम टेंट लगाए थे और अपना सारा सामान निकाल चुके हैं, अभी टेंट को फोल्ड करेंगे, फिर साइकिल पे सब लोड करके उसके बाद निकलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा हमको। आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन ये आपको खुशी नहीं मिलेगी जो ये अनुभव हमको मिल रहा है। शिव जी बहुत कुछ दे रहे हैं हमको, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलिए, जो हमको इतना ज़्यादा दे रहे हैं जिसका मैं आपको बता नहीं सकता, तो चलिए पहले इसको फटाफट फोल्ड करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सारा सामान लोड हो गया है, अब दादी से आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद अब निकलते हैं रोड पे, तो आपसे मिलते हैं रोड पे। अभी वो आश्रम से निकल गए हैं और यहाँ चाय पीने के लिए भैया के पास रुके हैं और एक प्लेट नाश्ता। भैया इसका क्या नाम है? गुलगुला। अच्छा, गुलगुला का एक प्लेट वही लगा रहे हैं भैया, वही खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद तब यहाँ कुछ इस तरह से है गुलगुला, फिर खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अभी हम भद्रक जिले में ही हैं और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो हमें लगा कि आप सबको भी दिखा दें। इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और रोड भी काफ़ी बढ़िया है, सीधा पूरी जाना है। तो आज भुवनेश्वर के 10 किलोमीटर पहले ही पहुँचने का, तो आज भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर पहले पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो लगा कि बहुत बढ़िया कोई चीज़ है तो आपको दिखा दें, हमको लगा आपको दिखाना चाहिए, इसलिए हम दिखा दिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ का और काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आगे चलते हैं, अब हाईवे पे ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, चलाते वक्त ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही चले रुक रुक के ब्लॉगिंग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 11 बज चुका है और अभी हम आश्रम से लगभग 22 किलोमीटर का दूरी 22 किलोमीटर तक आ चुके हैं। तो इधर धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैकेट वैकेट सब निकाल लिए हैं, हाईवे से सर्विस लेन पकड़ के यहीं पर खड़े होंगे छाँव में थोड़ा, तो यहाँ थोड़ा पानी वानी पियेंगे और पानी वानी पी के फिर निकलेंगे, कुछ खजूर खाएंगे, खजूर एक खजूर ऋषि भाई ने दिया था, धन्यवाद ऋषि भाई आपको, खजूर खा के पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ से पानी पी के फिर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा आज गर्मी है यार, टी शर्ट पे हैं देख रहे हो, और नारियल पानी पीने के लिए रुके भाई के पास, तो भाई से वही पूछ रहे थे कि कैसे आप जान जाते हो कि इसमें मलाई है, तो बोलता है काटते काटते एक्सपीरियंस हो गया है। तो चलिए नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हूं, अभी नारियल पानी पी के जस्ट वहाँ निकला था, तब तक भैया मिल गए। भैया वाराणसी में जॉब कर चुके हैं, तेलियाबाग में जॉब कर चुके हैं और भैया देख रहे हैं इतना ज़्यादा अगरबत्ती हमको दे दिए, बोले कि बाबा क्या आप अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, तो भैया से यही बोले कि भैया इसको आधा कर दीजिए, वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, तो थोड़ा जाजपुर के बारे में भैया आपको कुछ बताएंगे। हमारा जाजपुर जो है ना, वो बहुत प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा एकदम प्यारा सा स्टेट है, जैसे बोलते हैं ना ईस्ट एंड वेस्ट, उड़ीसा इज द बेस्ट, उड़ीसा में क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। तो जैसे चार धाम से एक धाम तो उड़ीसा है, जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा है जी, जी। तो हमारा जो भगवान जो जगन्नाथ है वो सबसे प्यारा है, हर धाम आप जाएंगे ना तो उस धाम के भगवान है, जैसे काशी धाम है, काशी का नाथ है, बद्रीनाथ है, सबका नाथ है, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जो जगत का नाथ है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो मैं तो वहाँ पे अभी बनारस में काम कर किया हूँ और काशी विश्वनाथ जी का मैं भी दर्शन किया हूँ, और मैं भाई को ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये अगरबत्ती मेरा ये बिजनेस है, तो ये मेरा छोटा सा तोहफा ग्रहण करें और जाके बाबा के पास थोड़ा लग भेजा दीजिए। ठीक है, ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और हम जैसा बोल रहे वैसा ही हम करेंगे, तो चलिए हम आपसे आगे मिलते हैं। अभी चंडीखोल पहुँचने वाले हैं, तब तक भाई से मिल गए और भाई से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा बात करके,
और हमें भी अच्छा लगा, ये साइकिल से ट्रिप कर रहे हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग है। भाई भी यूट्यूबर है और भाई अभी जा रहे हैं कन्याकुमारी में। हाँ, तो भाई अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम सौभिक मंडल नाम से मेरा चैनल है, और दूसरा चैनल मीन्स ये सौभिक मंडल ब्लॉगिंग चैनल, और पहला चैनल आपद टेक्नोलॉजी का चैनल है। भाई को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और भाई से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। भाई भी पीछे तिरंगा लगाया है और देख रहे हैं भाई सेफ्टी के लिए सब कुछ लिया है। मेरे पास सेफ्टी के लिए सिर्फ एक वो रामपुरी टाइप का चाकू है आपको दिखाई है, और भाई भी टेंट लिया है। बढ़िया है भाई, तो भाई से बात करते हैं फिर आपसे आगे मिलते हैं। डिको से 5 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं, और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प है, और ये आज यहीं पर रुकना है, और यहीं पर कुछ यहीं पर टेंट लगाएंगे, और इस तरह से कुछ पेट्रोल पम्प है। तो लेट हो गया था इसी वजह से यहाँ पर रुक गए, और कल रुकने का एक और भी कारण था। कल यहाँ से आगे चंडी को जगह का नाम है, और वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर पहाड़ के ऊपर विनायक जी का मंदिर है, तो दर्शन करेंगे, उसके बाद कटक की तरफ निकलेंगे। तो आज चलिए टेंट अपना लगाते हैं, फिर सामान सब रख के फिर चलेंगे खाना खाने। पहले टेंट लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लग के कंप्लीट हो गया है, आप देखिए यहाँ पे टेंट लग गया है। अभी साइकिल आएंगे तो कहीं साइड में एडजस्ट करेंगे। तो अपना टेंट लग के कंप्लीट, पूरा सामान टेंट के अंदर हो गया, फिर उधर ही वहीं पे होटल है, चलते हैं खाना खाने, और खाना खा के आते हैं तो फिर सोते हैं। तो चलिए पहले खाना खाने चलते हैं। अभी आ गए हम होटल पर खाना खाने, और यहाँ पर भैया लोग बना रहे हैं, तो इधर ही बैठ के खाते हैं। अभी ला रहे हैं एक वेज थाली, और ऑर्डर किए हैं वेज थाली, तो आ रहा है तो आपको दिखाते हैं कि वेज थाली में क्या क्या रहता है आइटम। तो चलिए आने दीजिए। इस तरह से कुछ थाली आए हैं यहाँ पे, ये आलू की सब्जी है, ये थोड़ा चोखा है, शायद करेला वाला है, और ये चावल, इधर दाल, और ये गोभी का सब्जी है, और रोटी अलग से यहाँ पर ऑर्डर करना पड़ता है। और ये टोटल थाली 60 रुपये का है, और प्लस रोटी एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पर। तो थाली में सिर्फ इतना ही रहता है, और रोटी और कुछ भी लेना है आपको तो अलग से उसका चार्ज होता है। तो चलिए फटाफट खाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने टेंट में। खाना खा के आ चुके हैं, वहाँ पे अपना टेंट लगाया देख सकते हैं, और यहाँ पावर बैंक चार्ज लगाए थे जो कि हो चुका है, अब सुबह लगाएंगे। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से एक भाई पूछ रहा था कि शिवभक्त फ्री यात्रा का क्या मतलब है, तो मैं उसको बता दें कि शिवभक्त फ्री यात्रा का यही मतलब है। देखिए यहाँ पर कैंपिंग टेंट लगा है, रहना भी फ्री है, ठीक, साइकिल चलाते हैं उसमें कोई पेट्रोल तो लगता नहीं, वो भी फ्री है। इसी तरह से बस फ्री यात्रा इसका नाम पड़ा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।